हाय गाइस, ये है बुजका जख तीर्थ धाम माधापर। देखिए जख बहुत एरिया है, इसे कहते हैं, देखिए आप, इसे कहते हैं जख बहुत एरिया। और यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। ये यहाँ का भोजनालय है, देखिए आप, देखिए यहाँ भोजन की सुविधा है। अगर आप यहाँ आते हो तो भोजन करके जाना, भोजन की सुविधा यहाँ पर है। बोल आज हम आए हैं जख बहुतेरा। और जख बहुतेरे का इतिहास क्या है बताएंगे श्याम भाई आप? सबसे पहले तो यहाँ पे जोर से बोलिए प्रॉपर। हाँ, यहाँ पे जो है ना, हाँ, वीडियो और ब्लॉग बनाने का अलाउड नहीं है। हाँ, पर हमें ये परमिशन मिली है। आवाज थोड़ा जोर से बोलिए। यहाँ पे ब्लॉग बनाने की परमिशन नहीं है, पर हमें मिली, हाँ, मिल गई परमिशन। वो किस्मत से हमें परमिशन मिल गई, मिल गई है। यहाँ पे ना ऐसा कहते हैं, इसका इतिहास बताइए। पुजारी जी ने हमको बताया है, हाँ, कि ये जो यक्ष थे ना, हाँ, वो यहाँ पे विषा मतलब बैठने, हाँ, मतलब हाँ बैठने आया करते थे, आराम करने, आराम करने आया करते थे। यक्ष आए थे ना, हाँ, यहाँ पे उनका पहला विश्राम था। अच्छा, मतलब जब पहले आराम किया उन्होंने, पहले यहाँ पे आराम किया और फिर वहाँ पे हमारे जो बड़े यक्ष कहते हैं ना, हाँ, यक्ष थे वहाँ पे है मेन मूर्ति। यहाँ पे सिर्फ विश्राम लिया है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने आराम किया है ना? हाँ, सही है। अच्छा, अब कहाँ से जाएंगे हम? हमको पुजारी जी ने ये इतिहास बताया है। उन्होंने बोला कि ये कोई सुनी सुनानी कहानी है, मतलब कि उनके दादाजी ने, उनके पिताजी ने वो बोली है। हाँ, वो है कहानी। फिर यहाँ तो बहुत अच्छा है, हम यक्ष मंदिर माधापर भुज गांव का यक्ष मंदिर, जो एशिया का सबसे अमीर गांव किया गांव कहा जाता है माधापर, हम उसमें यक्ष मंदिर के पीछे वाले घाटे में आए हुए हैं। देखिए यहाँ से व्यू एकदम बहुत अच्छा आता है। हाँ, आप आगे जाओ थोड़ा। हाँ, बोलिए, अब बोलिए यहाँ से। ये जो आइए, यहाँ से व्यू एकदम मस्त दिखेगा आपको। हाँ, बहुत सारा फैला हुआ है, ये देख सकते हैं, ये भी इन लोग को गई है। ये सब देखिए, ये कितना बड़ा है, देखिए आप यक्ष बहुतेर का नज़ारा। एशिया का जो सबसे अमीर गांव माधापर है ना, हाँ, उसके यक्ष मंदिर पे आए, वहाँ पे यक्ष मंदिर है, वहाँ पे हम लोग आए हैं। और देखिए पीछे की साइड है ये। अच्छा, ये बैक साइड है, ऊपर की गार्डन, ऊपर आए हैं हम, ऊपर का बैक साइड का गार्डन है। और ये नज़ारा देखिए आप, देखते ही बनता है। भुज में
स्मृति बनाए ना जो माधापर की भुजिया डूंगर पे, वो यहाँ से एकदम साफ दिख रहा है। अच्छा बताइए जोर से। यहाँ पे जो भुज में बनाए ना, यहाँ पे माधापर भुजिया पे स्मृति, यहाँ से एकदम साफ दिख रहा है वो देखिए। अच्छा देखिए, वो हमारे घर से भी एकदम सीधा जो शो होता है ना लाइट का भुजिया पे, हाँ। एकदम मस्त दिखता है। देखिए ये भुजिया डूंगर है और ये क्या बना हुआ है, स्मृति वन। और ये देखिए यहाँ यक्ष के मंदिर से साफ दिखता है। देखिए आप, देखिए सोसाइटी भी कितनी देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी। और ये देखो भुजिया डूंगर है ना, बहुत बड़ा है ये भुजिया डूंगर है ना। हाँ ये बहुत बड़ा है, आपसे इधर से देखिए। हाँ इतना लंबा है। हाँ देखिए यहाँ से लेके इतना लंबा भुजिया डूंगर देखिए आप। और ये स्मृति वन, मतलब एक बार भुज में आइए और भुज की सैर कीजिए। स्वामीनारायण मंदिर है, फिर ये जक बोतेर है, देखिए आप बनता है नज़ारा। एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस यहीं पे आके रहे। और बताइए श्याम। और ये अच्छा है, हम लोग दोस्त यहाँ पे आते करते हैं। अच्छा आप यहाँ पे आते हो? हाँ हमारे दोस्त के साथ आता हूँ मैं। और बस दोस्त लोग यहाँ पे मिलते हैं, बैठते हैं, फिर घर चले जाते हैं। हाँ अच्छी बात है। यहाँ पे आपको एक अलग फूल दिखाऊं? हाँ पहली बार देखा है। हाँ आप लोगों ने देखा होगा। हाँ ये जो मैंने निकाला ना, हाँ तो इसमें से ना, हाँ एक ऐसे रगड़ोगे ना आप जरा सा भी, हाँ इसमें से पानी निकलेगा। और जो ऊपर का है ना, हाँ वो आपको दिखा दूं, मैं ऐसे ही रगड़ूंगा ना, हल्दी जैसा लगेगा। हाँ चंदन ये देखिए, देखिए है ना हाथ, देखिए हाँ देखिए इसके हाथ कैसे हो रहे। देखिए ये यहाँ फूल है, ऐसे ऐसे फूल ही है। हाँ देखिए ये रहा, अब हमने आधा ये देखिए पानी देखो। हाँ पानी देखिए, हाँ बहुत स्टोर किया गया है। ये देखिए मेरे हाथ से बूंद टपक रही है इसके। हाँ देखिए पानी इसमें बहुत भर भर के रखा है। और इसके पीछे से ये क्या निकल रहा है, देखते हैं क्या है, कुछ तो है, हम खोल के देखते हैं इसको। ये गार्डन का नजारा देखते जाइए आप, बहुत ही खूबसूरत। देखिए आई लव माय इंडिया यहाँ लिखा हुआ है। गार्डन देखिए